एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मेरा डेली ब्लॉग नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पांच ऐसी बातें जो आपको किसी के साथ नहीं करनी है अगर आप अपना इम्प्रेशन अच्छा रखना चाहते हो किसी के सामने या सामने वाले के सामने। आप जो है अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहते हो सामने वाले से, तो आपको ये बातें किसी से भी नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि कभी भी किसी की लुक्स पे पॉइंट आउट ना करें। कई बार कुछ लोगों को आदत होती है ना बोलने की कि अरे अरे तू तो छोटी ही रह गई, या तेरे दांत तो बाहर निकले हुए हैं, तेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं। ऐसे ऐसी कई बार हम किसी को नीचा दिखा देते हैं, किसी को लुक्स वाइज कमेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला आपसे इरिटेट हो जाएगा, वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा और वो चला जाएगा पतली गली से दूसरी ओर। तो उसके पास तो बातें करने वाले बहुत हैं लेकिन आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए किसी की लुक्स को लेकर, क्योंकि बिकॉज शक्ल तो भगवान ने दी है, जैसी तैसी, जिसको भी जैसी भी दी है। लेकिन आदमी की शक्ल जैसी भी हो पर आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट रहा कि हमें किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो औरतों की बहुत ज़्यादा बुरी आदत होती है, मैक्सिमम औरतों में ही देखने को मिलती है, मतलब मेंस में ऐसी बहुत कम आदत होती है दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की। जैसे अरे अरे औरतें बातें करती हैं ना कि अरे तुम्हारी शादी को तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब तक तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए, या फिर तुम्हारे हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया है क्यों हुआ ना, या तुम्हारी सास से क्यों नहीं बनती, या सासों को पूछेगी सास दूसरी गाँव की आके कि तुम्हारी बहू काम करती है कि नहीं करती है, तुम्हारे साथ अच्छी रहती है कि नहीं रहती है। इस तरह के बहुत सारे पर्सनल इंटरफेयर हम दूसरों की लाइफ में करते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है? सिर्फ जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए, और क्या बोल सकते हैं, गॉसिप करना आदत होती है औरतों की। तो ऐसे किसी को शौक नहीं होता है कि शादी को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए और बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आजकल। लेकिन लोगों को बहुत शौक होता है दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांकने का और जानने का, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि वो पता नहीं क्या है, क्यों है, उनको जानने का बड़ा शौक रहता है। तो इसलिए किसी को दुखी मत कीजिए। तो आंटी ऐसी बात कर रही होती ना पर्सनल इंटरफेयर कर करके कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे, या डाइवोर्स क्यों हो गया, या तो परिवार के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारी सासों से अच्छी बनती है या कि या कुछ भी, तो मन करता है ना कि आंटी को अकेले में मिलते हो, ऐसे दूंगी ना, ऐसे दूंगी ना। मानना है कि जितना फोकस और इंटरेस्ट हम दूसरों की लाइफ में दिखाते हैं ना, अगर इतना फोकस हम अपने आप पे करेंगे ना, तो अपने आप में कोई स्किल डेवलप करेंगे तो हम कहाँ से और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखो अगर दूसरों की बहू काम नहीं कर रही घर में तो आपको तो वो काम नहीं करना पड़ रहा ना उनके घर में जाके, अगर वो करेगी तो भी उसका ही फ़ायदा है, नहीं करेगी तो भी उसी का फ़ायदा है। तो इस तरह के बहुत सारे पर्सनल इंटरफेयर हम कभी किसी की लाइफ में कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही बुरी बात होती है। तो अपना यही रूल रखना चाहिए कि ना ही किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, अगर आप ही लाइफ में कोई ऐसे इंटरफेयर करता है तो उसको भी डांट लगाओ। तो तीसरा पॉइंट ये रहा कि हमें किसी को भी छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए। तो लाइफ क्या होता है, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ी सी चुन्नी ठंडी हमारे पास आती है ना तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। तो बहुत बढ़िया सा होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास थोड़े से पैसे रहते हैं ना तो दूसरों को छोटा दिखाने लग जाते हैं, तो वो लग जाते हैं बड़ी बड़ी शेखियाँ मारने के, हम तो ये कर सकते हैं, वो कर देते हैं, हम तो बंदे को चक देंगे, वो सो होता है ना लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बहुत सारे हम शेखियाँ मारने लग जाते हैं। और किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, जैसे गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है जब अभिमान होता है ना आदमी को तो वो ज़मीन पर गिरता ही गिरता है। तो परिस्थितियाँ हमेशा सभी की समान नहीं रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन ज़रूरी नहीं कि सबकी समान हो। तो हमें अपनी चीज़ों का या अपनी प्रॉपर्टी का या पैसों का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और इसको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि समुद्र की गहराई कितनी ज़्यादा होती है लेकिन समुद्र उतना ही शांत होता है ना। तो चौथा पॉइंट ये है कि हमें कभी भी पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। होता है ना पास्ट लाइफ के बारे में बार बार पॉइंट आउट करना किसी को कि हाँ, जैसे मतलब प्रेजेंट टाइम में आप किसी और कोई रिश्ते में हो, जैसे पति पत्नी का रिश्ता हुआ, और लेकिन हमें जानना है, बार बार उनको टोकना है कि हाँ शादी से पहले तुम्हारा वो अफेयर था ना, किसके साथ अफेयर था, हाँ हाँ तुम्हारा उसके साथ चक्कर था, हम ऐसी बातें करते हैं ना।
तो हस्बैंड लोग भी कितना शक करते हैं अपनी बीवियों पर, या बीवियां भी बार बार वो आग लगाने वाली होती है ना, माचिस से आग लगाने वाली बात होती है, वैसे करती है हस्बैंड के साथ कि हाँ हाँ तुम्हारा तो उसके साथ चक्कर था, उसके साथ चक्कर था। पर आप जितना ही गड़े में मुर्दे उखाड़ोगे ना, तो यही मुर्दे क्या करेंगे, आपके रिश्ते को भी कब्र में ले जाएंगे। जब आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है, दोनों रिश्ते विश्वास पे टिकता है ना, होता ही है, तो क्या होना चाहिए कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी रिलेशनशिप में हो, तो ये होना चाहिए कि अगर आप हो तो अच्छा है, अगर किसी और के साथ हो तो हमारे साथ रिश्ता नहीं होगा। आप दोनों का बीच में ऐसी कमिटमेंट होनी ही चाहिए। पास्ट के बारे में मत बात कीजिए, बात कीजिए फ्यूचर के बारे में और प्रेजेंट टाइम के बारे में। जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा अफेयर नहीं होना चाहिए और ना ही फ्यूचर में होना चाहिए। फिफ्थ जो पॉइंट है मेरा, वो है कि हमें किसी कभी भी किसी की इनकम के बारे में नहीं पूछना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है पूछने की, अरे अरे कितना कमा रही है, कितना कमा रही है, तुम कितना ज़्यादा पैसे कूट रहे हो भी आजकल तो। लेकिन किसी को भी जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है कि उस पैसे कमाने में आपकी कितनी मेहनत लग रही होती है, या आप किसी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हो तो कोई ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि आपने उस पोस्ट को पाने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितनी रात आप जगे हो, कितनी आपने मेहनत करी है, कितने आपने पापड़ बेले हैं। लेकिन ये जानने का सबको इंटरेस्ट रहेगा कि कितना कमाता है, कितना कमाता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले पॉइंट पे कवर किया था कि लोगों को दूसरों की ही लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उन्हें अपनी लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, बस उनको क्यूरिसिटी बनी रहती होती है, बनी रहती होती है ना, मतलब जैसे कि पता नहीं कितने बस चारों तरफ से पैसे 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 आ रहे हैं उनके पास। तो ये वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, और हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी इन चीज़ों से गुजरी हूँ या हर्ट हुई हूँ, तभी मैं ये बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग भी इन बातों से रिलेट कर पाएंगे और अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप में भी ये आदतें हैं तो आपको ये सुधारनी ही पड़ेंगी, वरना लोगों के बीच में आपका इंप्रेशन ऐसा बन जाएगा, लोग आपको देख के भागना लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे कि ये बहुत इरिटेटिंग बंदा है, इससे बात नहीं करनी चाहिए। होता ही है ना ऐसे, हम भी तो भाग जाते हैं ऐसे लोगों। आई होप दोस्तों आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिमाचल, जय भारत।